प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसका रूल 5 ये कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स और हिज फैमिली मेंबर और एम्प्लॉय टू क्लॉज ई प्रोमिनेंटली जो है आपका रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए आईडी कार्ड की एंड सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग एट वेंडिंग प्लेस जो है वो करवाया जाए। तो इस दृष्टि से इसको हमने प्रदेश के अंदर ये पहले से ही जो है वो चला हुआ है। अब बात आती है हमारा जो एक मल्टी पार्टी जो एक बॉडी बनाई गई है जिसमें हमारे जो है ऑनरेबल स्पीकर ऑफ दी विधानसभा, उन्होंने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी में कांग्रेस पार्टी के विधायकों को भी रखा गया है और भाजपा के विधायकों को भी रखा गया है, कांग्रेस के मंत्रियों को भी रखा गया है और उसके उपलक्ष्य उसमें ये देखा जाएगा कि जो भी इसमें कंसर्न्स प्रदेश के लोगों के हैं, प्रदेश के वेंडर्स के हैं, प्रदेश में चाहे बाहर के लोगों के हैं चाहे प्रदेश के अंदर के लोग हैं, सबके लिए कानून बराबर है। इसमें जो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई वो जो मैंने बयान उस दिन दिया था उसको राजनीतिक रूप से और उसको किसी और राज्य के जो है वो वेंडिंग जो कोई वहाँ पे कोई पॉलिसी लाई गई थी उसके साथ लाकर उसमें सांप्रदायिक रंग लाने की कोशिश की गई। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो भी मैंने कहा है दैट इज़ विद अकॉर्डिंग टू लॉ। सुप्रीम कोर्ट का इसमें हवाला मैंने आपको दिया, माननीय हाई कोर्ट का हवाला मैंने आपको इसमें दिया और साथ ही साथ जो हमारा कानून केंद्र सरकार का 2014 का है और उसमें संशोधन करके इसको 2016 में प्रदेश की सरकार ने पहले लागू किया है और समय समय पर इसमें तब्दीली लाने की आवश्यकता है। और जितनी हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस चाहे वो शिमला की है चाहे वो मंडी की है चाहे वो धर्मशाला की है चाहे वो सोलन की है चाहे वो पालमपुर की है, वहाँ के जो इलेक्टेड बॉडी है, वहाँ के मेयर है, वहाँ के जो है वो MC कमिश्नर है, वो इसको कैसे लागू करना है अपने अपने इलाकों में उस चीज़ के ऊपर इसमें संज्ञान जो है वो लेंगे। जहाँ तक मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से दिल्ली में मिलने की बात है, मैं ये भी इस पर बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ क्यों मेरा दिल्ली जाने का जो कार्यक्रम था वो पहले से जो है वो निर्धारित था। मेरे रेलवे बोर्ड में के जो चेयरमैन हैं उनके साथ दिल्ली में बैठक थी और वो प्री शेड्यूल्ड बैठक थी जो हमने विधानसभा है शिमला का उसके साथ एक फ्लाईओवर PWD द्वारा HPRIDC द्वारा जो है वो बनाया जा रहा है और उसके लिए NOC रेलवे बोर्ड की ओर से रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से आवश्यक थी जो बहुत समय से लंबे था उसकी वजह से काम रुका हुआ था। और उसके साथ साथ एक हमारा अर्बन डेवलपमेंट का एक कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली के होटल अशोका में निर्धारित था जिसके लिए मैंने दिल्ली जाने का कार्यक्रम रखा था। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से मीडिया चैनल में ये कहा गया कि मुझे जो है वो दिल्ली समन किया गया या दिल्ली बुलाया गया, तो ऐसा नहीं था। मैं दिल्ली अपने प्री शेड्यूल्ड प्रोग्राम की वजह से गया था एंड वेन एवर आई गो टू दिल्ली आई मेक इट अ पॉइंट टू मीट दी पार्टी लीडरशिप ऑल्सो। अगर हम सरकारी कार्यक्रम से भी जाते हैं मैं हमेशा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चाहे वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है चाहे वो महासचिव ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो हमारे प्रभारी है या और पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व है उनसे समय समय पर मिलते हैं और हिमाचल से संबंधित जो मसले हैं हिमाचल से संबंधित जो मुद्दे हैं चाहे वो संगठन के हैं चाहे वो सरकार के हैं उसके बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं, उस विषयों के ऊपर बात की जाती है। और मैंने इस बारी भी और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि मैंने एक और जहाँ पे ये कहा है अपने अभिभाषण के आज के शुरुआत में ये मैंने कहा है कि पार्टी लाइन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, मगर मैंने पार्टी हाईकमांड को भी ये भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश के मसले हिमाचल प्रदेश के मुद्दे और हिमाचल प्रदेश के 70 लाख आवाम की आवाज़ को उठाना और उनके हितों की रक्षा करना ये भी मेरी प्रथम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है। इसे मेरे पिताजी ने पूरी उम्र राजनीतिक उम्र में उठाया है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा
जब भी मुझे हिमाचल के लोगों की आवाज़ किसी भी प्लेटफॉर्म पे उठानी होगी, हम उसको पूरी प्राथमिकता से उठाएंगे और उसे सॉल्व करने का भी हर संभव प्रयास करेंगे। तो मैं ज़्यादा बहुत लंबी बात ना कहते हुए मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपको चीज़ें कही है, अब जब इसकी 3 तारीख को इसकी बैठक होगी, जिसमें जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है आदरणीय हर्षवर्धन चौहान, ये इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, वहाँ पे सभी और दलों के नेता भी रहेंगे और इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी कि इन कानूनों को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स है, माननीय हाई कोर्ट के डायरेक्टिव्स है, जो एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, इसको कैसे अमलीजामा बनाना है, क्या इसको कैसे समय पर कई जगहों पर, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी ये शुरू भी हो चुका है, ये प्रक्रिया कई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ऑलरेडी अंडर वे है, तो क्या उसमें करना है, कैसे उसको आगे लेकर जाना है, उसके ऊपर पूर्ण तरीके से चर्चा होगी। मगर हिमाचल के लोगों के हित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और साथ ही साथ मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूँ बिल्कुल साफ शब्दों में कि हिमाचल प्रदेश देश का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हिमाचल में किसी भी प्रांत से, किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से कोई भी व्यक्ति रोजगार के लिए हिमाचल में आ सकता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो कोई और राज्य है, और किसी भी धर्म का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हिमाचल में आ सकता है। हिमाचल में बहुत बड़ी तादाद में तिब्बती काम करते हैं, क्योंकि दलाई लामा जो है, हमारे पूजनीय दलाई लामा, वो हिमाचल में, उनको जो है वो पॉलिटिकल और राजनीतिक असाइलम मिला है, भारत सरकार ने दिया है, और उस तर्ज पे बहुत से तिब्बती जो मूल रूप से हिमाचली नहीं है मगर उनकी दुकानें हिमाचल में भी है, शिमला में भी है, धर्मशाला में भी है, मकलोडगंज में भी है, और भी बहुत से इलाकों के अंदर है। हमने उनको पूरे खुले हाथों के साथ उनको स्वीकारा है प्रदेश के अंदर, वो चाहे उत्तर प्रदेश से भी कई लोग आते हैं, चाहे हरियाणा से आते हैं, हमने केवल ये बात रखी है कि आज भी हम उनका स्वागत कर रहे हैं, मगर कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है, हाई कोर्ट के जो गाइडलाइंस है, और जो और एमसी एक्ट के ऑलरेडी जो कानून बने हुए हैं, इसके तहत से एक जो वेरिफिकेशन इन लोगों की होनी चाहिए, चाहे वो हिमाचली है चाहे वो गैर हिमाचली है। अगर हमने भी कल को कोई दुकान लगानी है, कोई रेडी फड़ी लगानी है, तो वही कानून हम पे भी लागू है, सब लोगों के ऊपर लागू है। ये केवल जो है प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, और मैं इस शब्द के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दे रहा हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हैज़ टू बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट। जिस तरीके की अभी हरकतें प्रदेश के अंदर कुछ दिनों पहले, हमको महीनों से देखने को मिली है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। जहाँ तक अवैध भवन या ना बनने की बात है, नहीं बनने की बात है, वो एक दूसरा पहलू है, मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मसला वैसे भी जो है वो म्यूनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है और कोर्ट का जो फैसला आएगा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, कई बार सर्वोच्च मंच पे भी कह चुका हूँ और विधानसभा में सभा पटल पे भी कह चुका हूँ कि अगर वो अवैध पाया जाता है तो उसके ऊपर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, एंड ऑफ द स्टोरी, दैट इज चैप्टर वन। चैप्टर टू जहाँ तक इस चीज़ की बात है, इसमें भी कानून के हिसाब से ही कार्रवाई होगी। हम कानून के दायरे से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और जो ये एक्ट है, वेंडिंग स्ट्रीट रेगुलेशन एक्ट है, लाइवलीहुड का एक्ट है 2014 का, इसके दायरे से एक इंच भी बाहर निकलकर कार्य नहीं करना चाहते, मगर इस एक्ट के अंदर ही बड़े विस्तार पूर्वक तरीके से ये लिखा हुआ है कि हमको रेगुलरेशन करनी है, रेगुलराइजेशन करनी है, और वेंडिंग जोन्स बनने हैं उनके जो। तो कांग्रेस नेता विक्रमादित्य को आप सुन रहे थे, जो पीसी के जरिए बता रहे थे कि क्या कुछ हालात हिमाचल में बने हुए हैं और वेरिफिकेशन को लेकर भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे उन्होंने रखे हैं।